12 जून 1974 जब पटना यूनिवर्सिटी के आरएसएस कार्यकर्ता अश्विनी चौबे को गिरफ्तार किया गया। अश्विनी चौबे जेपी आंदोलन के केवल सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं थे बल्कि उन्होंने चीनी मिलों के घोटाले से जुड़े कांग्रेसी सरकार के दस्तावेज प्रेस को लीक किए थे। इस कारण अगले करीब 3 साल तक चौबे को फुलवारी शरीफ जेल, आरा जेल, बक्सर जेल में कैद रखा गया। इन जेलों में अश्विनी चौबे को इतना बुरी तरह पीटा गया कि वो करीब 11 महीने तक पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। उनकी दोनों किडनी में खराबी आ गई। गर्म तवे पर लेटाकर की गई पिटाई के निशान से सारा शरीर गंभीर रूप से जल गया। लेकिन ये अकेली अश्विनी चौबे की कहानी नहीं थी, यह आपातकाल में कांग्रेसी अत्याचारों की अनगिनत कहानियों में से मात्र एक कहानी थी। इमरजेंसी इंदिरा सरकार का थोपा हुआ वो काला दौर था जब सच्चाई बताने वाली प्रेस का गला घोंटा गया, संविधान की रक्षा करने वाली न्यायपालिका के हाथ काट दिए गए, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों की आवाज कुचल दी गई, कुशासन का विरोध करने वाले समूचे विपक्ष को जेल में ठूंस दिया गया। और ये सब सिर्फ इसलिए चलता रहा ताकि इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता न जाए। इमरजेंसी के दौर में भारत की जेलों में होने वाली यातनाएं अंग्रेजी राज के काला पानी की याद दिला रही थी। इंदिरा गांधी का सबसे ज्यादा गुस्सा छात्रों पर फूटा क्योंकि छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन की वजह से ही गुजरात के कांग्रेसी सीएम चिमन भाई को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बिहार छात्र संघर्ष समिति भी इंदिरा गांधी के लिए सरदर्द बनी हुई थी। इसीलिए आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने सबसे भीषण दमन छात्रों का ही किया। छात्र संगठनों को प्रतिबंधित करके छात्र नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया जहां उन्हें पुलिस या ज्यादतियों का शिकार होना पड़ा। तब के दिल्ली छात्र संघ अध्यक्ष और एबीवीपी के नेता 22 साल के अरुण जेटली जी को भी 19 महीनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया जहां उन्हें खाने के लिए मक्खियां तैरती पानीदार दाल और अधपकी रोटियां दी जाती थी। दिल्ली के जसवीर सिंह को उल्टा करके इस तरह पीटा गया कि चोट के प्रमाण न रहे। रेलवे ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस को इतना पीटा गया कि वो सालों तक सीधा खड़ा नहीं हो पाए। इस दौरान किश्तया गौड़ और भूमया तक को फांसी दे दी गई। मीसा और डीआईआर कानून बनाकर लाखों लोगों को जेल में डाला गया जहां बर्फ की सिल्लियों पर लेटा कर सत्याग्रहियों को पीटा जाता था। उनकी उंगलियों पर कुर्सी रख कर उस पर बैठा जाता था। बेहोश होने तक चाबुक से घंटों पीटा जाता। कई कई दिनों तक भूखा प्यासा तड़पाया जाता और इस दमन के खिलाफ कहीं आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। सिर्फ आम जनता ही नहीं, विपक्ष के बड़े नेताओं को भी इस सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने कांग्रेसी सरकार को चुनौती देते हुए सिंहासन खाली करो की जनता आती है नारा लगाया। इस सभा से इंदिरा गांधी इतनी घबरा गईं कि तुरंत जेपी समेत सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए उसी रात देश पर आपातकाल थोप दिया गया। इमरजेंसी के दौरान जेपी का स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगा। कैद के दौरान ही उनकी दोनों किडनी खराब हो गईं और उनके इलाज में बरती गई लापरवाही आज तक जांच का विषय है। आपातकाल की वजह से जेपी की रिहाई के लिए भारत में खुलकर आंदोलन चलाना असंभव था, इसीलिए ब्रिटेन में सुरूर होदा ने जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नोएल बेकर की अध्यक्षता में फ्री जेपी अभियान तक चलाया। जेपी की तरह ही वाजपेयी जी को भी आपातकाल के दौरान खराब स्वास्थ्य की वजह से कई महीनों तक एम्स में भर्ती रहना पड़ा। आगे भी लंबे समय तक वाजपेयी जी को आपातकाल के दौरान उपजी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा। इसके अलावा मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, विजय राजे सिंधिया, मुलायम सिंह यादव, महारानी गायत्री देवी, राज नारायण, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को आपातकाल के दौरान जेल में बंद रखा गया। इस कांग्रेसी दमन की सच्चाई दुनिया के सामने ना आए इसके लिए भारतीय प्रेस का गला घोंट दिया गया और यहाँ तक कि विदेशी पत्रकारों तक को देश निकाला दिया गया। बिना सरकारी निगरानी के अखबार एक भी लाइन नहीं लिख सकते थे। अखबारों के असली संपादक पुलिस अधिकारी बने बैठे थे। आपातकाल के 19 महीनों में 327 पत्रकारों को जेल, 3801 अखबार जब्त, 290 के सरकारी विज्ञापन बंद, करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी, करीब 5 से 7 लाख लोग हुए बेघर। आज चाहे कांग्रेस अपने इस कलंकित तानाशाही इतिहास को छुपाकर कितना भी लोकतांत्रिक फ्री स्पीच की बात करे, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता इस कांग्रेसी दमन को न भूलेगी न माफ करेगी।